तमे रे, तो तमे तो तेरी हो गई, तो तमे रे, तो तमे तो तेरी हो गई, तो तमे रे, तो तमे तो तेरी हो गई। हेलो तोता, मेरे तोता, ए लक्की लक्की सोना बच्चा हमारा प्यारा, ये बाहर के नज़ारे लक्की कर रहा है जी, लक्की कर रहा है शाम के नज़ारे, परिंदों के साथ बातें, क्यों क्यों कैं कैं, यस यस, किसी लक्की किसी करो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? और अभी है जी रात का टाइम और मैं कर रही हूँ एडिटिंग, और मेरे ग्लासेस में ही मेरे मोबाइल का रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है कैसे, और ग्लासेस कैसे लग रहे हैं मुझे क्योंकि मेरी नज़र थोड़ी सी वीक है नज़दीक की, तो इस वजह से जब मैं कोई काम करती हूँ या कुछ देखती हूँ तो कुछ लगाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो आपको पता है, नहीं भी पता तो बता देती हूँ, बहुत सुस्त हूँ हाँ, जब कोई काम करने पे आऊँ तो बहुत जल्द जल्द कर लेती हूँ, सब कुछ अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी से। तो आज मैंने बनाई है पोनी और मेरे सिल रहे हैं कपड़े, तो कपड़े सिल रहे हैं और हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी, तो अभी पक्का नहीं है लेकिन फिर भी तैयारी तो करनी ही चाहिए इंसान को। चलें जी, और लक्की कर रहा है यहाँ पर खाना अपना, थोड़ा थोड़ा सा अभी बीज है इसके, तो मिलते हैं। आज मैंने की है दो छुट्टियाँ जो कि मेरे बचपन का खासा है जो कि मैंने बहुत अपने टीनेजिंग में भी और उसके बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि अम्मी जान करती थी शुरू से ना, तो आदत, क्या कहते हैं, एक आदत सी हो गई है तो आदत सी जब हो जाती है ना तो बस फिर बंदा कहता है कि मैं इसी चीज़ में कंफर्टेबल हूँ। तो आज काफ़ी अच्छे के बाद मैंने की है, थोड़े दिन पहले की थी तो तेल लगाया था तो ये यहाँ यहाँ से दुखने लग गई थी, तो आज मैंने जब कंघी की तो मैंने कहा चले देखते हैं, थोड़े बाल भी बड़े हो गए हैं तो दो चुटियाँ जो उनसी है ना वो अच्छी सी हो जाएंगी, तो प्यारी सी मुन्नी सी दो चुटियाँ हो गई हैं। कैसी लग रही हैं मुझे? अच्छी लग रही हैं। और रोशनी कैसी आ रही है सूरज की पता नहीं कैसी, अभी तो मुझे खुद से नहीं पता चल रहा कि मेरी वीडियो कैसी बन रही होगी, अभी बाद में देखती हूँ। और जी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें, तो जल्दी जल्दी से ताकि हम भी थोड़े से ग्रो हों यूट्यूब पे। कोशिश तो यही है, अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है, तो मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि मैं नाम भी चेंज करूँ, तो इंशाल्लाह ताला नाम भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। और ये है कि आजकल हम तैयारी कर रहे हैं कहीं जाने की, तो कपड़े शपड़े जो है वो मैंने सिलने के लिए दिए हैं। अच्छा, मुझे याद ही नहीं रहता, मैं व्लॉग वगैरह बनाती हूँ तो लोग बनाते हैं कपड़ों की वीडियो बना ली, देने जा रहे हैं तो वीडियो बना ली, तो मुझे तो याद ही नहीं रहता है। तो कपड़े मैंने सिलने के लिए दे दिए हैं, एक जो है कपड़े मेरे रेडी होके आ चुके हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी मेरे कपड़े जो हैं सिल रहे हैं, और कुछ कुछ कपड़े जो उनसे वो बैग में मैंने डाल दिए हैं, तो देखिए इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह ताला से ज़रूर जाएंगे। और जी लकी जोन सा है वो यहाँ पर बैठा हुआ है खिड़की में मेरे साथ ही, क्योंकि इसे यहाँ से परिंदों को देखना और सब कुछ बहुत ही पसंद करता है इधर से। तो आज सुबह हमने नाश्ता बनाया था, आलू गोभी के पराठे बनाए थे मैंने, तो और आज जुम्मा भी है तो सूरत कहफ वगैरह मैंने पढ़ ली है और नमाज भी पढ़ ली थी। तो कभी सुस्ती हो जाती है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो नमाज हमारे लिए सबसे पहले है तो नमाज को पहले ही रखा जाए, इंशाल्लाह आमीन। और जी नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो अभी आज मैंने कुछ भी नहीं बनाना है क्योंकि सालन जो है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो बस क्या करें बातें यार क्या करें, मेरी छोटी सी दुनिया है, एक मैं हूँ, एक मेरे हस्बैंड हैं, एक ही होते हैं छोटी सी दुनिया मोहब्बत की है मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन ये दावा है मेरा, चाहत कैसा बसेरा।
सारे जहां में नहीं है। अच्छा जी, तो कुछ छोटी मोटी सी चिट चैट करते हैं आपके साथ। और मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी क्या है। मेरी अम्मी जान जब जिंदा थी तो मैं उन्हें कहती रहती थी, अम्मी जान ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, एक तकलीफ दे है। आप अपने बचपन में होते हैं, आप अपने टीन एजिंग में होते हैं, आपको दुनिया का और सब चीज़ों का कोई टेंशन नहीं होती। सारी टेंशन आपके माँ बाप के कंधों पे होती है। आप तो बेफिक्रे होते हैं बिल्कुल, दुनिया जहान से सिर्फ अपने आप में मगन। तो वही हाल मेरा भी था। मेरी माँ जब तक जिंदा थी तब तक मेरा हाल वही था। जैसे ही मेरी अम्मी जान की डेथ हुई, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। ठीक है, खुशी गमी सब एक साथ होते हैं, लेकिन माँ बाप का रिश्ता इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। मैं बनाऊंगी धूप में वीडियो। कभी मैं छाव में बनाऊंगी वीडियो। तो मेरी जिंदगी ऐसी ही चलती है। सभी की जिंदगी ऐसी ही चलती है। कभी धूप है आपकी जिंदगी में, कभी छाव है आपकी जिंदगी, कभी खुशियां हैं आपकी ज़िंदगी में, कभी गम है आपकी ज़िंदगी में। तो हमारी ज़िंदगी में भी वही कुछ होता है। अच्छे लोग भी हैं आपकी ज़िंदगी में, बुरे लोग भी हैं आपकी ज़िंदगी में। और कई लोगों के लिए आप अच्छे हैं, कई लोगों के लिए आप बुरे हैं, कई लोगों के लिए आप बहुत बदतर हैं। तो बस ये है ज़िंदगी, तकलीफ दे हम एक राह है ज़िंदगी, फूलों से भरा हुआ रास्ता बहुत कम है इसमें, फूलों से भरा हुआ रास्ता बहुत कम है। हाँ, अगर कोई रहने दे तो उस रास्ते को फूलों से भरा हुआ। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी ज़िंदगियों में फूलों भरे रास्ते ही रहने दे। अल्लाह ताला ही है हम पे करम करने वाले। हम इंसान तो कुछ भी नहीं है, खाक है, जर्रा है। अच्छा जी, तो इस वीडियो के में ये मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो मेरे ब्लॉग्स आएंगे उसमें आपको कुछ पुरानी वीडियोस मिलेंगी, तो बुरा मत मनाइएगा। अलबत्ता देखने वाला कौन है, मैं खुद ही देख लेती हूँ या मेरी सिस्टर्स वगैरह देख लेती हैं, अभी तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तो ये है जी कि अभी पुराने कुछ व्लॉग्स होंगे, क्योंकि पीछे बिल्कुल ही यानी कि काम मैंने वीडियोस बिल्कुल अपलोड नहीं कर रही थी। वीडियोस तो मेरे पास काफ़ी थी, तो उसके बारे में बताती हूँ। वीडियोस अपलोड ना करने की वजह ये थी कि मैं थोड़ा लेज़ी एंड क्रेज़ी हूँ। कभी क्रेज़ी हो जाती हूँ तो जल्दी जल्दी से सब काम करती हूँ, तो ज़्यादातर यही होता है। लेज़ी कम ही रहती है, लेकिन जब सुस्त हो जाती हूँ तो बस फिर जो एक सुस्ती है ना वो आप पे हावी रहती है। तो दिल जैसे मुर्दा हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे कि दिल मुर्दा हो जाता है आपका, कुछ करने को दिल नहीं चाहता है। तो फिर ये होता है कि बस मेरा नहीं होता कि मैं कुछ करूँ। इवन कि कभी तो खाना बनाने का भी दिल नहीं करता है, लेकिन वो क्या बात है कि जिंदा तो रहना है ना, हमने खाना तो खाना है, तो उस मजबूरी में फिर खाना तो बनाना ही पड़ता। तो बताती हूँ वो फिर वजह बीच में ही रह गई। अच्छा जी, तो वजह यही है कि सुस्ती हो गई, कुछ दिल नहीं कर रहा था। लैपटॉप अपने पास लेकर आती थी एडिटिंग के लिए, तो वो बेचारा दो दो तीन तीन दिन मेरे पास ही पड़ा रह जाता था। उसको खोलने को दिल नहीं करता था, पता नहीं क्यों, हाथ लगाने को दिल नहीं करता था। तो बिल्कुल भी अदनान कई बार मुझे ला के दे रहे हैं कि मैं जस्ट इसलिए कि मैं बिज़ी रहूं, कुछ करूं, मेरा दिमाग कहीं इधर उधर ना लगे, मैं उदास ना हूं। तो अदनान भी मुझे ला के देते थे कि किरण काम करो, कुछ करो इसके ऊपर। और जैसे कि मेरे बड़े भाई हैं, सनवीर है, मुझे फ़ोन पे कहते रहते किरण कुछ करो, काम करो, तुम अपना काम करो, तुम टेक्सटाइल वाला काम करो। तो पता नहीं क्यों, मैं उन्हें भी कहती हूँ पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता है कुछ भी करने को, मैं बहुत अजीब सा हो जाता है मेरा दिल। तो ये है, लेकिन अभी मैंने अपने आप को थोड़ा सा
खुद से पुश किया है क्यों, ज़ीरो पे आ जाती हूँ। अगर आप 2 माह में भी वीडियो नहीं डालते तो आप समझे आप ज़ीरो पे हैं। तो ज़ीरो पे मैं जा चुकी हूँ अगेन, पहले भी 1-2 पे आई थी तो फिर 0 पे चली गई हूँ। 1-2 पर आके तो दोबारा 0 पे आ गई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश है मेरी, तो अल्लाह खैर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगी हर चीज़ में। तो कोशिश मैं करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू इसको रखूँ। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आमीन। तो जी ये मेरा व्लॉग आज का यहीं तक था, तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।